हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज का टॉपिक टीनेजर गर्ल्स और मॉमीज के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। मैं खुद एक टीनेजर बेटी की मॉम हूँ और मेरी बेटी अभी 10th में पढ़ रही है, तो मुझे उससे जुड़ी हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, इवन ब्रा कब और कौन सी पहननी चाहिए वो भी। तो चलिए जानते हैं कि लड़कियों को किस उम्र में ब्रा पहनना स्टार्ट करना चाहिए और कौन सी ब्रा से स्टार्ट करना चाहिए नोवी सुजाता के इस एपिसोड में। वेलकम बैक माई डियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मैं जिस बिगनर्स ब्रा के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है एक स्पोर्ट्स टाइप ब्रा, जिसे सीमलेस एयर ब्रा भी कहते हैं। तो जब भी ब्रा पहनने की शुरुआत करें, इसी टाइप के ब्रा से करें। जनरली 11 से 12 साल की उम्र में ब्रेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो गर्ल्स इसी एज में सीमलेस ब्रा पहनना स्टार्ट कर दे तो बेस्ट होगा। ये ब्रा प्योर कॉटन नहीं है, ये कॉटन प्लस स्पैंडेक्स की बनी है, इसलिए स्ट्रेचेबल है, बहुत ही लाइट वेट है और इसमें कोई भी स्ट्रैप्स और हुक्स नहीं लगे हैं जो बेटी को चुभे और पहली बार ब्रा पहनकर जो अनकम्फर्टनेस होती है वो नहीं होगी। इस ब्रा का कपड़ा थोड़ा पतला होता है, पर एकदम स्टार्टिंग में ये ब्रा बेटियों को ब्रा पहनने की आदत डालने के लिए एकदम बेस्ट है। इसमें बहुत सारी साइजेस अवेलेबल है, तो अगर मॉम भी चाहे इसे रात में पहनकर सोना है तो आराम से पहनकर सो सकती है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। और इवन अगर आप साड़ी पहनते हैं तो आप इसे ब्लाउज के अंदर भी पहन सकते हैं। ये एयर ब्रा दो वर्जन्स में आती है, विदाउट पैड वाली और विद पैड वाली। विदाउट पैड वाली के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, तो चलिए जानते हैं विद पैड वाली ब्रा के बारे में। इसके अंदर एक पैड लगा होता है जो रिमूवेबल होता है, इसे ऐसे निकालते हैं और वापस ऐसे लगा भी सकते हैं, मतलब इसे पैड के साथ भी पहन सकते हैं और विदाउट पैड के भी। स्टार्टिंग में विदाउट पैड वाली ब्रा से स्टार्ट करें, लेकिन जब लगे कि शेप इंक्रीज हो रहा है या फिर ड्रेस के ऊपर से निपल्स का शेप विजिबल हो रहा है तो उसके बाद पैड वाली ब्रा का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। सीमलेस एयर ब्रा में कुछ बहुत अच्छे फीचर्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं, और वो है ये लाइट वेट है इसलिए धोने के बाद जल्दी सूख जाता है। ये बहुत सारे कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, तो आपके क्लोथ्स के हिसाब से आप कोई भी कलर चुन सकते हैं। इसमें कोई भी अनकंफर्टेबल हुक्स नहीं है, इसके स्ट्रैप्स कंफर्टेबल है, इलास्टिक जैसा निशान नहीं छोड़ते। ये सीमलेस है, मतलब इसमें सिलाई दिखाई नहीं देती, तो टी शर्ट के ऊपर से लाइनिंग्स या फिर जो ब्रा के लाइंस दिखते हैं ना वो नज़र नहीं आते। इसके पैड्स रिमूवेबल है, तो जब मर्जी निकाल लो और जब मर्जी लगा लो। ये रात को पहनने के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल है और इसे पहनकर आराम से सोया जा सकता है। टीनेज गर्ल स्कूल जाने के साथ साथ स्पोर्ट्स, डांस और अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत इन्वॉल्व रहती है, और ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आता कि ब्रा पहनने का टाइम आ गया है। वो कैमिजोल या शमीज तक ही लिमिटेड रहती है, या फिर मार्केट से ब्रा ले लेती है सबसे छोटी साइज़ की, जो कि बहुत ही अनकम्फर्टेबल होती है। तो बेस्ट है कि एयर ब्रा से स्टार्ट करें और एक बार आदत पड़ जाए उसके बाद ब्रा विथ राइट साइज़ पहनना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात कि बिगनर्स के लिए ब्रा एकदम परफेक्ट है। स्कूल, ट्यूशन, क्लासेस, डांस, इसे कहीं पर भी पहना जा सकता है और इसे 24/7 पहन सकते हैं, जिससे एक तो ब्रा पहनने की आदत भी पड़ जाती है और सॉफ्ट और कंफर्टेबल मटेरियल होने की वजह से स्किन पे कोई रैशेज या निशान भी नहीं पड़ते। इस टाइप के सीमलेस एयर ब्रा आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे इजीली मिल जाएंगे, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और हाँ, मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे आपको बहुत सारे अजीबोगरीब प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको यूज़फुल लगा होगा। तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, अगर आपने उसको अभी तक दबाया नहीं है तो उसको दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए लाती हूँ यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।